कॉलोनी के अंदर में बिजली के खंभे लगकर वायरिंग वगैरह होकर लाइट प्रॉपर आई हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई कॉलोनी के तरीके से खंभे खड़े कर देते हैं, लाइट भी नहीं आती है। प्लॉट्स के काफी ऑप्शन अवेलेबल है अपने यहाँ, जैसे 66 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये जो मकान बन रहे हैं इससे पीछे सारे 66 गज के प्लॉट है। अच्छा। और इससे आगे 71 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल। ये सर जो मकान देख रहे हैं ये 71 गज के मकान है, हमने जो 4 मकान 71 गज के हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से जी हम 71 गज का जड़ से मकान दे रहे हैं। दे रहे हैं सर, 20x45 की डायमेंशन में ये 100 गज का मकान है। इसके यहाँ से एंट्रेंस है जिसमें हमने ग्रेनाइट पत्थर लगा कर दिया है एंट्रेंस। अच्छा? पर जी ओके सर, नियर बाय डिस्टेंस 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, सारा कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। सर 71 गज के मकान में हम 2 बेडरूम दे रहे हैं, एक वॉशरूम है, किचन है, ड्राइंग एरिया है। इसमें हमारे यहाँ मकान भी मिल जाएगा जो 30 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक के बीच में आता है बस। हाँ जी। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा शानदार धमाकेदार। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बार फिर से लोकेशन पे लेके आए हैं। सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली के पास, जी हाँ, गाज़ियाबाद में पूरी लोकेशन आप लोगों को बेहतरीन मिल जाएगी, जहाँ पे आप ले सकते हैं प्लॉट और फ्लैट के दामों में मिल जाएगा जड़ से मकान। हमने पहले भी यहाँ की वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया देखिए रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर मिला है। उस समय लॉन्चिंग का टाइम था और 2-3 महीने हो चुके हैं, तो अभी आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पर देखिए बसावट हो चुकी है, मकान और घर लोगों ने यहाँ पर बनवा रखे हैं। तो सर हमारे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं अभिषेक शर्मा। सर अगर मैं बात करूं तो अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है और प्रॉपर गाज़ियाबाद में कहाँ की लोकेशन पड़ती है ये? अगर मैं गाज़ियाबाद में प्रॉपर लोकेशन की बात करता हूँ तो ये दुहाई रैपिड स्टेशन है, जो अभी साहिबाबाद से कनेक्टिविटी हो रही है मेरठ के लिए, जो रैपिड चल रही है। ओके। तो रैपिड स्टेशन में दुहाई का रैपिड स्टेशन पड़ता है जी। उसके पास से 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर अपनी कॉलोनी बस रही है कृष्ण एनक्लेव फेज 3 के नाम से। ओके, मतलब बात करूं तो मेट्रो स्टेशन हार्डली 300 मीटर दूर यहां पे रहेगा। हाँ जी। ओके, और वहां से देख सकते हैं दोस्तों पूरी बसावट के बीचों बीच देखिए पूरी सोसाइटी आप लोगों को शानदार सी यहां पर मिलने वाली है। यहां पर 50-60% माल सोल्ड हो चुका है पहले के रेस्पॉन्स के मुताबिक। अच्छा जी, मतलब बात करूँ तो आधे से ज्यादा इन्वेंट्री यहाँ पे बिक चुकी है, सोल्ड आउट है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डेवलपमेंट भी काफी तेज हो रही है और प्रॉपर आबादी बसावट के बीचों बीच सारा कुछ दे रखा है सर। हाँ जी, आबादी के बीचों बीच जैसा आप देखेंगे अभी वीडियो में दिखाया जाएगा तो हमारी चारों तरफ आबादी है इसमें। मतलब बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को प्लॉट मिल जाएगा और किसी को जड़ से मकान मतलब जमीन से मकान चाहिए तो भी मिल जाएगा सर यहाँ। हाँ जी सर, इसमें हमारे यहाँ मकान भी मिल जाएगा जो 30 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक के बीच में आता है बस। हाँ जी, मतलब फ्लैट की कीमतों में यहाँ पर देखिए आप लोगों को जड़ से मकान मिलने वाला है। बिल्कुल जी। तो इसमें सर हम बात करें तो क्या क्या डेवलप करके दे रहे हैं इस सोसाइटी में? हम जी 25 फुट की सड़कें दे रहे हैं और 22 फुट की सड़कें दे रहे हैं जी। इस सोसाइटी में हमारे फेज 1 और फेज 2 से कुछ चेंजेस हैं, जैसे हमने इस कॉलोनी के अंदर 2 पार्क दिए हैं। एक पार्क फ्रंट में जाता है जो 1620 गज के आसपास का आता है। ओके। और एक पार्क 1100 गज के आसपास का था जो बैक साइड में हमने दिया है। दोस्तों कृष्णा एनक्लेव पार्ट 3 देख सकते हैं दोस्तों, राजनगर एक्सटेंशन के पास काफी शानदार सा देखिए सोसाइटी आप लोगों को इस तरीके से जबरदस्त मिल जाएगी, जहाँ पे देखिए डेवलपमेंट की बात करूँ तो काफी तेजी से डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। मतलब सर बात करूँ तो यहाँ पे कोई प्लॉट भी ले सकता है और जड़ से मकान किसी को चाहिए तो भी मिल जाएगा? वो भी मिल जाएगा सर। 25 फुट की रोड है जो कि पक्की सीमेंटेड रोड बनाई हुई है हमने। अच्छा। अगर इस कॉलोनी में आप देखेंगे तो अब इसमें बिजली भी आ चुकी है और इधर अगर ये प्लॉट्स हैं, पहले जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें कुछ नहीं था, उसमें लॉन्चिंग टाइम था। हाँ। अब हमारे ये प्लॉट्स भी बिक गए हैं, जिन जिनके प्लॉटों की रजिस्ट्री हो गई सबने अपने कब्जे ले लिए प्लॉटों। वाह क्या बात है, मतलब पक्की सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ हम प्रॉपर करके दे रहे हैं सर इसके अंदर। ये देखिए जी, और ये लोगों ने देखिए यहाँ पे प्लॉट भी ले लिए हैं, काफी बड़े बड़े प्लॉट हैं सर ये। 200 गज के ये प्लॉट हैं, बाकी के आगे के जो है कॉर्नर प्लॉट छोड़ के 100-100 गज के हैं। अरे वाह, ये देखिए मतलब लोगों ने देखिए दोस्तों प्लॉट लेकर के बाउंड्री वॉल वगैरह भी करा ली है, मतलब काफी तेजी से देखिए इन्वेंट्री यहाँ पे बुक हो रही है। 70% में बात करूं तो माल बिक भी चुका सर यहाँ पर। हाँ जी सर, कॉलोनी के अंदर में बिजली के खंभे लगकर वायरिंग वगैरह होकर लाइट प्रॉपर आई हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई कॉलोनी के तरीके से खंभे खड़े कर देते हैं, लाइट भी नहीं आती है जी। मतलब यहाँ पे प्रॉपर देखिए वायरिंग वगैरह सब डाल दी है, बिजली की पूरी व्यवस्था है। ये 22 फुट की सड़क है जो कि इंटरलॉक टाइल्स, अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो 22 फुट इंटरलॉक टाइल्स के साथ में चलेंगी कनेक्टिविटी। अच्छा। दोस्तों सड़कें देख सकते हैं काफी वाइड चौड़ी सड़क देखिए दोस्तों आप लोगों को सोसाइटी के अंदर मिलने वाली है। मतलब आपके पास अगर 4-व्हीलर हो, 2-व्हीलर हो, आने जाने में देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाम वगैरह नहीं लगेगा आपका सोसाइटी के अंदर। सर बात करूँ तो प्लॉट का क्या क्या साइज वगैरह दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे? सर प्लॉट्स के काफी ऑप्शन अवेलेबल है अपने यहाँ, जैसे 66 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये जो मकान बन रहे हैं इससे पीछे सारे 66 गज के प्लॉट है। अच्छा। और इससे आगे 71 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अच्छा। और इससे आगे 100-100 गज के प्लॉट्स अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे अभी। अच्छा, काफी इन्वेंट्री है, वैसे 60% माल सोल्ड भी है। मतलब काफी देखिए उसमें बाउंड्री वॉल वगैरह बन चुकी है, काफी इन्वेंट्री निकल भी चुकी है, मतलब मैं बात करूँ तो लिमिटेड ही ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर। जी सर,
ट्रांसफार्म लगा दिया कॉलोनी के अंदर में, इससे बिजली चालू है, 11,000 की लाइन भी आ चुकी है। अच्छा। और बिजली चालू है सारे कॉलोनी के अंदर। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, अभी सोसाइटी बसी रही है और देखिए लाइट की पूरी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट में देखिए आप लोगों को ऑलरेडी करके दिया जा रहा है। सड़कें बन गई, पानी की पाइपलाइन डल गई, सीवर वगैरह सब कुछ बना के दे रहे हैं सर इसके? जी सर, सब चीज़ देंगे। क्या बात है। ये सर जड़ से मकान जैसे बन के तैयार है, ये जड़ समेत मकान, छत सहित मकान सब बना के दे रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी। मकान भी मिल जाएगा? हाँ जी। ओके, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है सर? सर ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटा मकान 66 गज का भी बनाया हमने, और 100 गज का मकान भी बना कर दिया जैसे तैयार है इसमें। और अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने फैमिली शिफ्ट होने वाली है। अच्छा जी। जी मतलब छोटे छोटा 66 गज है जी, और बड़ा अगर किसी को चाहिए तो 100 गज सौ गज तक भी बनाया। अरे वाह। ये सर जो मकान देख रहे हैं ये 71-71 गज के मकान है हमने, जो 4 मकान 71 गज के हम तैयार कर रहे हैं इनको। अच्छा, इस तरीके से जी हम 71 गज का जड़ से मकान दे रहे हैं? दे रहे हैं। ओके, क्या बात है। मतलब क्वालिटी तो काफी शानदार बना दे रहे हैं सर यहाँ पर। हाँ जी सर। ये हमारा पूरा 1 फ्लोर का रहेगा जी। अच्छा, और क्या डायमेंशन वगैरह क्या होगा सर प्लॉट की बात करें तो? 20x32 की डायमेंशन में 71.11 गज का मकान बैठता है जी। अच्छा, 20x32 20x32 की गहराई, 20 का फ्रंट है, 32 की गहराई है सर। 71 गज के मकान में हम 2 बेडरूम दे रहे हैं, एक वॉशरूम है, किचन है, ड्रॉइंग एरिया है, ऊपर टेरिस एरिया है। अच्छा, ऐसा दे रखा है जी। और पूरा कम्प्लीट करके देंगे इसमें, पत्थर टाइल्स सब चीज लगा के देंगे, वुडन वर्क कम्प्लीट करके देंगे। अच्छा जी, मतलब हर चीज लगा करके देंगे इसमें, फिनिश जी करके? सर, फिनिश करके। क्या बात है। 100 गज का मकान है जी, जो हमारा कंप्लीट करके दिया हमने, पूरा तैयार है मकान। अच्छा, ये 100 गज का 2 मंजिल का रहेगा? 1.5 मंजिल बना के देंगे सर। अच्छा, 1.5 मंजिल रहेगा जी, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर एक उसके ऊपर रहेगा जी। क्या बात है। और ये जैसे दिख रहा है सर वैसे ही मिलने वाला है? सेम ऐसे ही मिलने वाला है सर। 20x45 की डायमेंशन में ये 100 गज का मकान है, इसके यहाँ से एंट्रेंस है जिसमें हमने ग्रेनाइट पत्थर लगा कर दिया है एंट्रेंस पर जी। ओके, काफी यहाँ से एंट्री करने के बाद ये हमारा हॉल आ जाता है। अच्छा, ये हॉल रहेगा? ये हॉल रहेगा। अच्छा, इसी में किचन वगैरह दे रहे हैं ये? हाँ जी सर, एक बेडरूम ही आ जाता है। ओके, क्या बात है। छत वगैरह तो काफी ऊंची बनाई है सर? 12 फीट की हाइट है सर। 12 फीट की हाइट है? हाँ जी सर। ठीक है, एक बेडरूम ही आ जाता है। अच्छा, एक बेडरूम ये रहेगा जी। अभी फिलहाल हमने ऑफिस की तरह यूज कर रहे हैं इसको। हाँ जी सर। ठीक है, एक बेडरूम यहाँ आ जाता है इसमें। अच्छा, ये पीछे साफ दी हुई है और 2 वॉशरूम अलग दिए हुए हैं। पीछे 2 वॉशरूम अलग दे रखे जी। क्या, ये स्टेयर्स हैं जी। अच्छा, ग्रिल वगैरह सब कुछ लगा के सब कुछ कंप्लीट करके देंगे जी। तो पत्थर का देखिए इस तरीके से पूरा काम आपको देखिए फ्लोरिंग पे मिल जाएगा, मतलब ग्रेनाइट का फुल वर्क आप लोग को डन करके देखिए मिलने वाला है। अच्छा, ये रहेगी टेरेस जी। टेरेस एरिया पे भी हमने टाइल्स लगा कर दिए हैं। अच्छा जी। जी सर। अरे वाह। और एक बेडरूम ऊपर दिया है हमने। हाँ, ये बेडरूम है। अच्छा, जिसमें टाइल्स वगैरह सारी चीज कंप्लीट करके देंगे। अरे वाह, ये देखिए मतलब काफी अच्छा। और 6 स्पेस निकल आई है सर इसमें तो? जी सर। सर बात करूं अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रहता है तो मार्केट स्कूल की क्या क्या व्यवस्था दे रखी है? सर नियर बाय डिस्टेंस 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर कॉलेज है, जैसे HLM कॉलेज है, ITI डेंटल कॉलेज है, काइट कॉलेज है। अच्छा, यहाँ पर? हाँ जी। शिक्षा का पूरा इंतजाम है? हाँ जी सर। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेजेस वगैरह भी हैं, और अगर छोटे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह भी चाहिए सब चीज है जी। तो नियर ऑन रोड दे रखा है, मार्केट पास में दे रखी है, सारी चीजों की सुविधा आसपास मिल जाएगी आपको जी। हॉस्पिटल है, मार्केट है, सारा कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई मेट्रो से भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है? बिल्कुल सर, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और मेन रोड हाईवे आपका दे ही रखा है जी, तो आप उससे भी आ सकते हैं। मार्केट स्कूल की सारी व्यवस्था दे रखी है? सारी व्यवस्था है जी। क्या बात है। मतलब कोई रहे तो डेली यूज का सामान हो गया, नियर बाय ग्रोसरी का सामान हो गया, हर चीज मिल जाएगा, सब नियर बाय मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं भीड़ होती रहती है, मतलब लोग आते रहते हैं, साइट विजिट होती रहती है, और लोग यहाँ पे प्लॉट भी बुक करा रहे हैं सर? हाँ जी सर, काफी प्लॉट बुक भी हुए हैं। अच्छा, आज भी 2 बुकिंग हुई है। अरे वाह, क्या बात है जी सर। अच्छा सर, क्लाइंट हमारे काफी देर से वेट कर रहे हैं कि भैया प्राइस क्या है, अगर कोई मकान लेना चाहे यहाँ पे रेट क्या मिल जाएगा किसी को? सर मैं मकान की बात करता हूँ तो 30 लाख रुपए से प्रॉपर्टी स्टार्ट है मकान की, जड़ समेत मकान बना कर दे रहे हैं, और 55 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी अपने यहाँ पर बस जी सर। मतलब बात करूं तो फ्लैट की कीमतों में यहां पे मिलने वाला जड़ से मकान जी सर। अरे वाह, तो दोस्तों काफी बेहतरीन देखिए ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब जमीन भी अपनी, मकान भी अपना, और छत भी अपनी, उसके ऊपर ही बनाना चाहे तो उसका भी ऑप्शन दे रखा है। 2 मंजिल और पास है, बना सकते हैं सर 2 मंजिल कंप्लीट। और सर डॉक्यूमेंट की बात करूं, डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें? सर डॉक्यूमेंट्स में मैं बता देता हूं, जो प्लॉट्स लेंगे उसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हम करा कर देंगे। अच्छा। और कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहता है जिस क्लाइंट की रजिस्ट्री हुई है तो हम वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं उनको। अच्छा, प्रॉपर दिखा देंगे? प्रॉपर दिखा देंगे सारी चीजें। बहुत बढ़िया जी। मतलब देख सकते हैं दोस्तों फ्लैट की कीमतों में आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए जड़ से मकान, तो ज्यादा लेट ना करें, फटाफट आए क्योंकि इन्वेंट्री काफी लिमिटेड बची हुई है। सर कोई कांटेक्ट करे कैसे कर सकता है आपसे? मेरे दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफिस वगैरह कहाँ पे दे रखा है? साइड पे ही अपना ऑफिस बना हुआ है। ओके, तो दोस्तों कॉल करिए, आइए,
और इन्वेस्ट करने का भी देखिए काफी अच्छा ऑप्शन आप लोगों को जबरदस्त मिल जाएगा। बिल्कुल सर, अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उसको भी अच्छा रिटर्न मिलने वाला सर? अच्छा रिटर्न मिलेगा सर, बिल्कुल जी। प्राइम लोकेशन है तो आप देख सकते हैं, प्राइम लोकेशन के हिसाब से यहाँ एक साल के अंदर में डबल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है लोग बागों। अच्छा, इतना मिल सकता है? जी सर बिल्कुल, बेहतरीन ऑप्शन देखिए दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पर, दुहाई मेट्रो के नियर बाई। आइए इन्वेस्ट करिए, या अगर बना के रहना है तो बेहतरीन जबरदस्त देखिए ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके से मिलने वाला कहाँ पर, कृष्ण क्लेव पार्ट 3।